एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक पैराडाइज। मैं हूँ पिंकी। कैसे हो आप सब? तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि मेरी बहन की शादी है, तो घर पे अभी शादी की तैयारी पूरा जोरों शोरों से चल रही है। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि घर पे क्या क्या चल रहा है, शादी के लिए कैसे हो रहा है। तो आप लोग देखिए कैसा है, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये है शादी का इनविटेशन कार्ड, ये प्रिंटिंग होके आ चुका है। तो हम लोग बंगाली में कुछ रिचुअल्स है कि शादी का कार्ड बटने से पहले इसमें हल्दी और कुमकुम लगाया जाता है। ईच एंड एवरी कार्ड में लगाया जाएगा हल्दी और कुमकुम। तो वही अभी सब कोई बैठा है हल्दी कुमकुम लगाने के लिए। इसमें बहुत मज़ा आता है, सब कोई एक साथ बैठता है, हल्दी कुमकुम लगाता है और सब कोई मस्ती मजाक करता है, बहुत मज़ा आता है। देखिए ये यहाँ पे ये सब लगाना हो गया, ये सब सुखाने दिया है हम लोग। ये सब जब हल्दी कुमकुम सूख जाए तो इसको फोल्ड करके फिर एनवलप में घुसाएंगे और सबसे पहले भगवान जी को इनवाइट किया जाएगा, उसके बाद हम लोग सबको कार्ड बांटेंगे। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे पेंटिंग चल रहा है घर पे। तो अभी ये जो पेड़ दिख रहा है ये एक्चुअली हॉल रूम पे पेड़ बनाया गया है एक दीवार पे, ये मेरा ही कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे मीन्स इस पेड़ पे हर एक डाली पे एक एक फ़ोटो लगाया है। अभी कलर करने की वजह से हम लोग फ़ोटो उतार के रखे हैं। ये पेंटिंग मीन्स ये जो पेड़ है ये खाली कलर से नहीं, इस प्लास्टिक पेरिस से बनाया गया है इसको दीवार पे। तो जो जैसे आप लोग देख ही रहे कि यहाँ पे इतना कलर, घर पे इतना कलर हो रहा है तो घर गंदा भी बहुत ज़्यादा ही होता है। तो मेरा रूम कलर हो चुका है और भयानक गंदा हो गया है, तो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ मेरे रूम को, क्योंकि गंदा देखते ही मेरा मीन्स हाथ पांव खुजली होने लगता है कि कब साफ़ करूँ कब साफ़ करूँ। तो यहीं पे मैं साफ़ कर रही हूँ। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसे जिनके घर पे फर्नीचर ऐसे सनमाइका लगा हुआ वो फर्नीचर पे, तो ऐसे जैसे मेरे ऑफ वाइट और डार्क ब्राउन के कॉम्बिनेशन में है मेरा फर्नीचर। तो डार्क ब्राउन पोर्शन जो है वो तो गीले कपड़े से साफ़ हो ही जाता है, लेकिन ऑफ वाइट पोर्शन साफ़ नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि मैं सर्फ घोल के स्कॉच ब्रश से थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, तो सच में ये बहुत बहुत ही ज़्यादा साफ़ हुआ। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं। करने के बाद ये जो ग्लास एरिया है, मैं एक टिप शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जो मिरर या ग्लास होता है उसको हम लोग गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद ना पानी का एक दाग बैठ जाता है। अगर उस दाग को हटाना हो तो आप लोग एक न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर लीजिए और उसको गोल गोल घुमाते हुए साफ़ कीजिए, तो है ना पूरा पानी का दाग चला जाता है, पूरा क्लियर कट हो जाता है वो मिरर या कुछ। और ये रहा मेरे रूम का फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।